जो ईवी है, जैसे ये ब्लू खड़ी है टिगोर टाटा की, ये भाई साहब इनको ईवी दे रखी है और ये ऐसे अंधाधुंध चलाते हैं, और है भी टाटा दे रखी है टाटा, भाई किसी के भी दे के मारेंगे ना अगले का नुकसान इतना तगड़ा हो जाएगा। ओ हो, ये तो भाई साहब तगड़ी गाड़ी दिख गई, टोयोटा हाईएस। ये हमने बुक करी थी जब हम भूटान गए थे ना विद फैमिली, तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करता, साथ में दिए लगाए थे, लेकिन हुआ क्या था बाई चांस है ना भाई साहब, लपटे उड़ गई थी ऊपर तक पूरी, वो देख रहे हो काला काला पूरा और का है, तो ये पूरा हिस्सा जो है ना काला हो चुका है और बहुत ही गंदा लग रहा है। उठा दे, कहाँ हो तुम लोग? अब भाई हमें लगा कि शायद हम ये लेने करने के चक्कर में थोड़ा लेट हो गए, तो भगाने लग गया मैं गाड़ी, तो मैंने कहा आ गए। नहीं, हो कहाँ पे तुम लोग? गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर अ चेंज। मैं हूं रुचिर। फटाफट तैयारी है जिम जाने की एज अ रूटीन, क्योंकि 4-5 दिन तो बीच में हो गए थे जब हमने नागा कर दिया है, तो अब चलते हैं बैक टू अर रूटीन। मैं रोज ये बोलता हूँ आई नो कि रूटीन, लेकिन साला होता कुछ है नहीं। चलो, इन आई होप अगेन दैट वील बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू मेंटेन द रूटीन। तो एक चीज है ना, हम लोग नोटिस कर रहे थे अभी और बात कर रहे थे, क्योंकि टीवी चल रहा था और टीवी पे कुछ प्रोग्राम वगैरह देख रहे थे हम, तो उस पे ना बार बार, और इनफैक्ट काफी बार ऐसा हो चुका है कि कोई मूवी है या कोई सीरीज है या कोई सीरियल है, तो उसमें ना ये वर्ड बड़ा इंस्टेंटली यूज हो जाता है, फॉर अ चेंज काफी बार यूज हुआ है, तो सुनने में ना अच्छा सा लगता है कि यार वैसे है तो फॉर अ चेंज, इट्स नॉट लाइक किसी का नाम है, बट क्योंकि अपने चैनल का नाम है तो सुनने में अच्छा लगता है कि यार इट इज बीइंग यूज्ड, है ना। तो जैसे बोल देते हैं लोग कि यार आज फॉर अ चेंज ये पी लेते हैं, आज फॉर अ चेंज वो खा लेते हैं, आज फॉर अ चेंज ये कर लेते हैं, सो वो अच्छा लगता है सुनने में कि यार इट इज बीइंग यूज्ड, ऑल्दो इट्स नॉट कि किसी का पर्टिकुलर नाम है जो वो लोग यूज कर रहे हैं, बट स्टिल खुशी सी मिलती है। तो जी आज फॉर अ चेंज पापा की परी, नॉट आर डाला। पापा की परी चलाने में भी अपना ही मजा है, क्योंकि सेडान क्या है ना, बड़ा मतलब कंट्रोल्ड चलती है, ये नहीं कि डोलती रहती है इधर उधर एसयूवीज की तरह, है ना, मतलब इसका जो चलने का तरीका होता है ना सेडान्स का या हैचबैक्स का, बड़ा ही कंट्रोल्ड होता है, मतलब हैंडलिंग बहुत सही होती है इन गाड़ियों की, मजा आता है, कंफर्टेबली चलती रहती है। दूसरा, ये ऑटोमेटिक भी है तो दिक्कत नहीं है। गुड़गांव में ना ये वाली जो कैब्स है ना ग्रीन वाली, यानी कि जो ईवी है, जैसे ये ब्लू खड़ी है टिगोर टाटा की, ये भाई साहब इनको ईवी दे रखी है और ये ऐसे अंधाधुंध चलाते हैं, और है भी टाटा दे रखी है टाटा, भाई किसी के भी दे के मारेंगे ना अगले का नुकसान इतना तगड़ा हो जाएगा, अगले का कुछ बचेगा नहीं और इनका कुछ जाएगा नहीं। ये देखो हर दूसरी गाड़ी ये है यहाँ पर ईवी। ओ हो, ये तो भाई साहब तगड़ी गाड़ी दिख गई, टोयोटा हाईएस। ये हमने बुक करी थी जब हम भूटान गए थे ना विद फैमिली, तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था। ये बहुत ही सेक्सी गाड़ी है यार, बहुत सेक्सी गाड़ी है, अंदर से इतनी कंफर्टेबल है ना, टोयोटा हाईएस मस्त लगती है यार। एक टोयोटा की आती है हाईएस और एक आती है वेलफायर, ये दोनों ही है ना मतलब क्लासिक लग्जरी में आती है, आई थिंक वेलफायर और एक दो नंबर ऊपर है और इससे, बट ये भी तगड़ी गाड़ी है भाई साहब, पूरी मिनी बस है जिसमें अंदर कैप्टन सीट्स रिक्लाइनर्स है सारे, और अंदर वो टीवी वगैरह सब लगा होता है, स्क्रीन लगी रहती है, बहुत ही मस्त, मजा आता है यार मतलब इसमें ट्रैवल करके। एज यूजुअल अपनी पार्किंग अपने लिफ्ट के साथ। चलिए, चलो भाई, वर्कआउट डन, इट वाज अ गुड सेशन। अभी मैं फिलहाल गाड़ी चलाते हुए यही सोच रहा था कि एक्सेसरीज का काम और मतलब मॉडिफिकेशंस का काम गाड़ियों में कितना बढ़ गया है यार। मैंने ना ये सोचा कि कब से बढ़ा, तो एनालाइज किया कि थार जब से आई है ना, ये थार ने करवाया है, क्योंकि उससे पहले मतलब मुझे याद है दिल्ली में कोई ऐसी या गुड़गांव में कोई ऐसी मॉडिफाइड गाड़ी दिखती थी, ऑफ रोडिंग टाइप की व्हीकल दिखती थी, तो देखते थे यार कि भाई मतलब बंदा कोई करा के रख रहा है, कहीं इसका यूज होगा, कहीं जाता होगा, लेकिन अब तो हर दूसरी गाड़ी यार, मतलब हर दूसरी गाड़ी में मॉडिफिकेशन है ऑफ रोडिंग की या थार की या किसी चीज में, तो मतलब वो है ना, वो चाम नहीं रहा उस चीज का, अब ऐसा हो गया कि एक कॉमन चीज हो गई कि हाँ मतलब थार है या कोई भी एसयूवी है तो उसमें कुछ ना कुछ ऑफ मतलब मॉडिफिकेशन तो होगी, या तो अलॉयज होंगे या टायर बड़े होंगे या कुछ भी, मतलब अब है ना वो बहुत कॉमन सा हो गया, पहले होता था कि हाँ यार मजा आता था देख के, अब वो बात नहीं रही। और सोचने वाली बात यह है कि जो मॉडिफिकेशन एक्सेसरीज वाले जो धंधे हैं, यानी कि जो कंपनीज हैं, उनका काम कितना बढ़ गया है यार, ये सोचो मतलब वो कितना कमा रहे होंगे इस टाइम पे। सोच रहा हूँ मैं भी एक खोल ही लूँ कोई काम ऐसा, पैशन भी है, इंटरेस्ट भी है, और अपना लोगों को शौक भी है कराने का, बड़ा मुश्किल है यार ये सब मैनेज करना। कहना तो आसान होता है कि खोल लेते हैं ये कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में उसको एग्जीक्यूट करना और मैनेज करना, इट्स रियली अ टफ जॉब।
और या फिर अगर मॉडिफाइड गाड़ी या फिर ऐसा कुछ चौड़े टायर है ना, थोड़ी हरकत वाली गाड़ी दिखती भी थी जिसमें कुछ काम बढ़िया सा हो रखा है, अच्छी दिख रही है, तो निशानी होती थी कि पीवी नंबर होगा उसका, यानी कि पंजाब नंबर होगा। तो मतलब कोई भी आप पंजाब की आज की डेट में भी, मतलब अगर आपको रिंग रोड पे चल रहे हो ना दिल्ली में, आपको कोई भी गाड़ी दिख रही है जो चल रही है और उसके टैक्सी नंबर है भले ही, लेकिन टायर चौड़े हैं, तो समझ जाओगे पंजाब की, आंख बंद करके आप समझ लो पंजाब की है। और आप जब एक्चुअली नंबर प्लेट देखोगे ना, आपको पता लग जाएगा कि भैया PB01, 02, 03 ये सारे हैं। तो मतलब पहले ना वो निशानी होती थी कि भाई पंजाब नंबर की गाड़ी है, तो पंजाब नंबर की गाड़ी में कुछ ना कुछ तो हरकत या अलग तरीके से होगा ही होगा, क्योंकि शौकीन मिजाज है लोग, है ना आजकल सारे हो गए हैं। तो भाई अब सीन ऐसा है कि एक ना कांड हो गया था हमारे यहाँ पे लोहड़ी वाले दिन, जो कि अभी तक हमने बताया नहीं किसी को, अभी मैं आपको दिखाता हूँ हुआ क्या था। तो उसको है ना आज ठीक करना है, जो कांड हुआ था ना उसको आज ठीक करना है। तो ये देखो, ये देख रहे हो आप काला काला जो हो रखा है पूरा। तो लोहड़ी वाला दिन हुआ क्या था, यहाँ पे ना हमने कुछ बुटांस है ना, वो पाइन ट्रीज के फ्रूट्स होते हैं जो लकड़ के बेसिकली होते हैं, वो हमने लगाए थे और साथ में दिए लगाए थे। लेकिन हुआ क्या था, बाई चांस है ना भाई साहब लपटे उड़ गई थी ऊपर तक पूरी, वो देख रहे हो काला काला पूरा और का है। तो ये पूरा हिस्सा जो है ना काला हो चुका है और बहुत ही गंदा लग रहा है घर के बाहर है एकदम, और ये फर्श भी थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा हो रखा है। इसका फर्श का तो देखो कुछ नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट वॉल का कर सकते हैं। तो हुआ क्या था ना, दिए जलाए और दियों से आग पकड़ ली उन लकड़ के फ्रूट्स ने, ठीक है। तो भाई साहब जो लपटे उठी हैं, और फनी सीन पता है क्या हुआ, फनी सीन ये हुआ, चलो मैं गाड़ी में बताता हूँ आप। ये देखो भाई बाहर कुछ कांड हुआ है यहाँ पर, जो कि पता नहीं लग पा रहा, लेकिन कुछ तो हुआ है, पुलिस वुलिस खड़ी है यहाँ पे पूरी। ये देखो कुछ तो कांड हुआ, ब्लिंकिट के कुछ, हाँ पता नहीं, कुछ ब्लिंकिट वाले खड़े हैं और कुछ ना कुछ तो कांड हुआ है। दो ब्लिंकिट वाले को पकड़ रखा है, मतलब के बैग में कुछ देख रहे हैं, मतलब चेकिंग कर रहे हैं। हाँ जी, तो अपनी बात कंप्लीट करते हैं। तो सीन ये हुआ था कि आग लग गई थी लपटे, ठीक है, और उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था कि यार बुझेगी या नहीं, बट चलो थैंकफुली बाय गॉड ग्रेस वो कुछ बड़ा नहीं मामला, क्योंकि यार बढ़ने को बहुत ज्यादा बढ़ सकता था। वहां पर एक पेंटिंग भी लगी हुई है जो कि लकड़ी की है, और फिर जहाँ पे वो ग्लास मोल्डिंग है वो भी लकड़ की है, तो होने को तो देखो बहुत कुछ हो सकता था, बिकॉज पूरी छत तक भाई सब लपटे जा रही थी। और फनी सीन ये हुआ था जो मैं आपसे बता रहा था ना, कि हमने मंगा रखा था खाना, पता कैसे चला, ठीक है, तो हमने खाना मंगा रखा था बाहर से कुछ, वो जैसी आया बंदा डिलीवर करने घर पे, और वो है ना मतलब, तो मैंने जब बाहर गया ऑब्वियसली लेने गेट से, तो मैंने देखा भाई ये क्या सीन हो रखा है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई आपको दिखा नहीं, आपने बताया भी नहीं। तो बोला कि अरे मुझे लगा आप लोगों ने कोई पूजा वूजा कर रखी है, मैं तो देखो नहीं चप्पलें वप्पले उतार कर आया हूँ। मैंने कहा रहा है भाई क्या ही सीन है, क्योंकि क्या अगर आप बाहर नहीं जाते हो तो बताता ही नहीं, बताता ही नहीं। और सही बात है, मतलब अगर हम वो नहीं आता उस टाइम पे और हम बाहर नहीं जाते तो पता नहीं क्या से क्या हो चुका होता यार तब तक। तो थैंकफुली मतलब सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स ऐसे हुए कि कंट्रोल इन कंट्रोल हो गया सब कुछ, और कुछ नुकसान बड़ा नहीं हुआ। तो अब फटाफट अरे भाई साहब, तो मेरे को तो उसको बेचारे पे हंसी आ रही थी जो कह रहा है मैं नीचे चप्पल उतार गया हूँ, मुझे लगा पूजा करे, क्योंकि हमने फूल वगैरह भी लगा रखे थे, तो उसको यही लगा होगा कि भाई लोहड़ी का दिन है, मकर संक्रांति वगैरह ऐसे कुछ लोग करते हैं, दरवाजा बंद कर देगा कि कुछ भी होता होता रहे अंदर, जलता रहे अंदर बाहर, पता नहीं इसके माइंड में क्या है। ठीक है, जिसकी जैसी समझ, बट ठीक है उसके आने से हमें पता तो लग गया। एनीवेज, तो अब सीन क्या था कि भाई वो बहुत ही छोटा सा काम है आपको पता है, ठीक है, उसके लिए हमने मतलब कोई भी नहीं आएगा यार, ट्राई भी क्या करूं मैं, किसी को क्या ही बोलूं कि भैया ये करना है, तो कोई भी नहीं आएगा। तो सोचा कि यार खुद ही है ना रोलर और पेंट लाके हल्का सा उस पर व्हाइट मार देते हैं, क्योंकि व्हाइट ही है नॉर्मल, कुछ ज्यादा उसमें कलाकारी तो है नहीं, तो खुद ही ले आएंगे, क्योंकि किसी को मैं बुलाऊंगा उसकी बेचारे की दिहाड़ी खराब होगी, और पहली बात तो अगला आएगा ही नहीं कि भाई क्या है मजाक कर रहे हो सर, इतने छोटे से काम के लिए क्या ही बुलाओगे दो मिनट के लिए। तो इसीलिए DIY करते हैं आज, पेंटर बाबू बनते हैं हम, एकदम सर पे साफ साफ बांध के बढ़िया लुक में लाएंगे खुद को और फिर बनेंगे। तो अभी चाह रहे हैं पेंट लेने, अपना सामान आ चुका है व्हाइट पेंट एंड रोलर। ऐसी बात नहीं है, खुद करने में भी मजा आता है चीजों को, DIY मतलब इतना भी, क्योंकि हम खुद ही कलाकार हैं, है ना भाई, गाड़ी का छोटा मोटा मैकेनिक गिरी होती है वो भी कर लेते हैं, और घर का कुछ काम होता है छोटा मोटा इलेक्ट्रिकल वो भी कर लेते हैं, और कुकिंग भी आती है, तो मतलब बेसिकली आपको भाई साहब ऑलराउंडर बंदा मिला है। रेगुलर पेंटर तो है नहीं, तो ये तो ले लिया था पेंट और रोलर, तो फिर याद आया कि यार पेंट रे तो ली नहीं, फिर पेंट रे के लिए दोबारा गाड़ी घुमाई, फिर उसके बाद याद आया यार तारपिन का तेल भी ले लेते हैं, क्या ना कि अगर पेंट बाद में कहीं हाथ वाथ पे लग जाए या रोलर को भी साफ करना होगा तो तारपिन के तेल से ही होगा वो, तो ये एक के बाद एक चीजें याद आ रही है, ऐसा नहीं है कि भाई एक साथ, क्योंकि भाई वो नहीं है ना रोज का काम। मैं यहाँ पे सामान इकट्ठा कर रहा हूँ, है, और ये क्या है अपना कड़ी चावल का जुगाड़ ले आई,
सही है बेटा सही है, कड़ी चावल खाओ तुम आज, कल मेरा खाना खाया था ना, आज तुम अपना खाओ। ओ भाई द मोस्ट प्रेशियस चीज, सफारी डायकोर इन गुड़गांव हरियाणा 26 नंबर। वाह यार बंदा लकी है, कितना यार कितना लकी है, हो गए होंगे वैसे 10 साल मुझे पता नहीं, बट छोड़ो उन सब चीजों को तो छोड़ो, लेकिन यार क्लासिक क्लासिक यार क्या लग रही है भाई। हमारे जो मम्मी है ना, एक तो अभी फोन आया उनका, क्योंकि हम उनको भी पिक कर लेंगे रास्ते में, टाइम उनका भी हो गया आने का, तो है ना भाई साहब कॉल पे ना हमेशा सस्पेंस क्रिएट करेंगी, मेन मुद्दे में नहीं बात करेंगी, सस्पेंस क्रिएट करेंगी। जैसे कि मान लो आपको मैंने पहले बताया था ना, अगर आपने देखा होगा पहले का व्लॉग के, अगर टाइम बताना है कितने बजे आना है, तो ये नहीं बोलेंगे कि 4:15 आऊंगी या यू नो 5 बजे ऐसे, तो बोलेंगे 4:50 पे, 4:05 पे आऊंगी, या 5:10 पे आऊंगी, या 6:10 जो भी है, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल टाइम का, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल कि भाई कितने भी बजे हो रहे हो, कितने भी बजे उन्होंने आना है, तो वो टाइम ऐसा मतलब बताएंगी ना, ऐसा नहीं बोलेंगी सीधा 4:45 या 5:45, 5:10, 6:10, 7:10, 8:10, भाई साहब कंफ्यूजन ठीक है। अभी क्या हुआ, अभी 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 है ना फोन, अभी फोन आया कि कहाँ हो तुम लोग, उठा दे कहाँ हो तुम लोग। अब भाई हमें लगा कि शायद हम ये लेने करने के चक्कर में थोड़ा लेट हो गए, तो भगाने लग गया मैं गाड़ी, तो मैंने कहा आ गए, नहीं नहीं हो कहाँ पे तुम लोग, मैंने कहा आ गए, तो कह रही है नहीं मैं ना 10 मिनट तक आऊंगी, मैंने कहा अरे भाई तो पहले ही ये बात बोलो ना कि यार हेलो मैं 10 मिनट तक आऊंगी, तुम कहाँ पे तो तुम अब तुम कहाँ पे हो, ये होती है बात। मम्मी ने दो बार पूछा, और होता गया ना, हाँ होता गया ना कि उनका माइंड सेट ये होता भाई, क्योंकि भाई मदर इंडिया ठीक है, कि अगर बच्चे दूर है या कोई भी वो मुझे पिक करने आ रहा है, तो किसी को क्या ही परेशान करना, बोले मैं ऑटो से आ जाऊंगी, मैं अपने आप आ जाऊंगी, कैसे भी आ जाऊंगी, तुम वहीं पे रहो कोई बात नहीं। अरे भाई बहुत वो हो जाता है, फिर मुझे लगता है कि यार अगर हम दूर होंगे तो, अगर मैं ये बोलूंगा कि हम दूर हैं अभी टाइम लगेगा, तो बोलेंगी मैं अपने आप आ रही हूँ, तो इसलिए मैं आ गए, लेकिन बोले मैं 10 मिनट में आ रही हूँ कसम से भाई। आज आप सभी को प्रेजेंट करते हैं हम माँ के हाथ का पूड़ा। माँ के हाथ का पूड़ा, ये क्या था? बेसन का पूड़ा, ये क्या था? माँ ने हथा का पूड़ा। तो ये देख लो कौन छुप रहा है। देखो मत करो। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये चलो जी करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे कल नए फ्रेश व्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए फॉर अ चेंज, और जिंदगी में लाती रहिए चेंज। कि अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो आप लाइक करी दोगे, आपको पता ही है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तभी करोगे जब आपका मन करेगा, वो भी ठीक है। कमेंट्स करते रहिएगा, वो भी तभी करोगे जब आपका मन करेगा, और शेयर भी कर देना अगर ठीक ठाक लग गई हो वीडियो तो। सब चीज बेसिकली ये है कि मोटा मोटा बात यह कि आप हो मन मर्जी के मालिक, छोटे भाई की बात तो माननी होती नहीं है, ठीक है। मान लेना थोड़ी खुशी मिल जाएगी, बस दिल में सुकून मिल जाएगा कि हाँ आप लोग हो मेरे साथ। चलो टेक केयर, बाय बाय।